अगर आप भगवान से मिलना चाहते हैं और उनसे अपना इलाज कराना चाहते हैं तो ये आपके सामने भगवान बैठे हुए हैं। ये 5 रुपए वाले डॉक्टर शंकर गौड़ा हैं। कर्नाटक में जब ये इलाज करने बैठते हैं तो लोगों की लाइन लग जाती है। एक दिन में 1500 मरीजों को ये देख लेते हैं और लेते हैं कितना है उनसे, मात्र 5 रुपए। दोस्तों, कर्नाटक की चर्चा खूब हो रही है, वहां के चुनावों की चर्चा भी खूब हुई है, लेकिन इस डॉक्टर की चर्चा नहीं हुई, आपको बताना जरूरी था। सोशल मीडिया पर ये फोटो शेयर करके बहुत सारे लोग इनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हैं। कुछ लोग इसे भ्रम भी मान रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं, ये डॉक्टर शंकर गौड़ा हैं और 35 साल से एक जगह बैठकर लगातार लोगों का इलाज कर रहे हैं। 35 साल से कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है दोस्तों कि एक दिन कैंप लगाया, फ्री में इलाज कर दिया, 5 रुपए में इलाज कर दिया, ऐसा नहीं है। डॉक्टर साहब 35 साल से यही काम कर रहे हैं और अभी तक इन्होंने अपनी फीस नहीं बढ़ाई है। ये एक बगल में एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जहां केक वेक मिठाई विठाई बिकती है, उसका एक पतला सा चबूतरा है 1 फिट का। डॉक्टर साहब इन दिनों वहीं पर बैठते हैं और उसी के किनारे एक गली है और उसी गली में 500 लोग लाइन लगा के 1000 लोग खड़े रहते हैं और डॉक्टर साहब तब तक वहां से नहीं उठते हैं जब तक एक एक मरीज अपने घर ना चला गया हो। सबका इलाज करते हैं। कर्नाटक के लोग कहते हैं इनके हाथों में जादू है, ये सचमुच भगवान है, जिसका इलाज कर देते हैं वो ठीक हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि MBBS MD जब इनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों करते हैं तो इन्होंने बताया कि डॉक्टर भगवान का स्वरूप होता है और लोग उससे अपेक्षा रखते हैं कि वो उससे ठीक होगा और भगवान किसी से पैसे नहीं लेते हैं। लोग मुझे भगवान न कहने लगे इसलिए मैंने 5 रुपए लेना शुरू कर दिया है और इसी 5 रुपए से मेरी दाल रोटी चलती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगा, इस डॉक्टर के पास ना तो कोई क्लिनिक है ना तो कोई बैठने की जगह है। सड़क के किनारे या किसी मैदान में या कोई भी जगह, ये जगह बता देते हैं, अनाउंसमेंट कर देते हैं, दोनों लोगों से बता देते हैं और वहीं पर लोगों का इलाज करते लगते हैं। पहले ही मैं बताया कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, 35 सालों से ये काम कर रहे हैं। इनके काम करने का तरीका इतना शानदार है कि जब आप इनकी तस्वीरें देखेंगे, देखिए एक साधारण से टी-शर्ट में, एक जींस है और किनारे महिलाएं बैठी हुई हैं और इनका वो इलाज कर रहे हैं। छोटी सी पर्ची हाथ में है, दवा लिख देते हैं और जो दवा लिखते हैं वो जेनरिक होती है और कुछ दवाएं अपने बगल में लिखे रखे रहते हैं जो इन्हें मिल के जाते हैं, कुछ लोग दे के जाते हैं तो ये दवा उन्हीं लोगों में बांट देते हैं। सोचिए आज के समय में, समझने की कोशिश करिएगा, अगर आपको मामूली सी सर्दी हो जाए ना दोस्तों, तो आप किसी डॉक्टर प्राइवेट के वहां जाएंगे, जब प्राइवेट डॉक्टर के वहां, तो 1000-2000 रुपए लिख देगा, कुछ टेस्ट भी लिख देंगे, डॉक्टर को पता भी रहेगा कि वो बीमारी आपको नहीं है, लेकिन कमीशन के चक्कर में टेस्ट भी लिख देते हैं। मैं हर डॉक्टर को ऐसा नहीं कह रहा हूं, कोई डॉक्टर वीडियो देखे तो बुरा मान जाए, लेकिन 1000-2000 रुपया प्राइवेट डॉक्टरों के वहां लग जाता है। वो डॉक्टर कार से आता है, उसका अपना क्लिनिक होता है, कुछ कुछ ने तो बंगले बनाकर रखे हैं, बड़े बड़े 5-स्टार हॉस्पिटल बना के रखे हैं। लेकिन ये डॉक्टर देखिए, कर्नाटक के सुपर पावर प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, अकेले फक्कड़ की तरह एक ऑटो से आते हैं, लोगों के बीच आते हैं और उनका इलाज करना शुरू कर देते हैं। लाइन लगी रहती है, उसी में इलाज करना शुरू कर देते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है। शाम को जाते हैं घर पे, 2 कमरों का मकान है, कोई क्लिनिक नहीं है, मैंने बताया कोई क्लिनिक नहीं है, कोई देखने की जगह नहीं है, सब्जी लेते हुए घर जाते हैं। और तो और मैं बता दूं, अब आप ये सोच रहे होंगे कि कहीं ये कोई झोला छाप तो नहीं है, ये मणिपाल कस्तूरबा कॉलेज से MBBS और MD है। इतनी बड़ी डिग्री लेने के बाद ना कोई भी आदमी खूब पैसे कमाना चाहता है, लेकिन डॉक्टर साहब को यह नहीं करना था, डॉक्टर साहब को लोगों का काम करना था और डॉक्टर यह कह रहे हैं कि मैं यही करता हूं, लोगों का इलाज करता हूं। कर्नाटक से बहुत सारे इनको बड़े बड़े अस्पतालों के ऑफर आए कि आइए हमारे वहां 1 करोड़ रुपया ले लीजिए, 2 करोड़ रुपया सालाना ले लीजिए, हमारे वहां भी देखिए वहां भी देखिएगा, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा क्या करूंगा इतने पैसे का, 5 रुपए में सब्जी दाल रोटी हो जाती है, उतना ही मेरे लिए काफी है और मैं लोगों का इलाज कर रहा हूं। इनकी बेटी और इनकी पत्नी भी इसमें मदद कर देती हैं। जब बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो उनको लाइन लगवाने में, तमाम चीजों में, घर पे भी कोई जाता है तो देख लेते हैं और उससे भी लेते हैं कितना, 5 रुपए। कई लोग इनके बारे में कहते हैं कि ये भगवान है और ये कोई भगवान खुद नहीं आते हैं, किसी को अपना रूप देके भेज देते हैं। और मेरी नजर से भी जब मैंने इस तस्वीर को देखा और जब बहुत रिसर्च किया तो मैंने पाया कि 1 महीना नहीं, 1 साल नहीं,
दस साल नहीं, 35 साल से ही अगर कोई आदमी लगातार एक ही काम कर रहा हो, वो भी निस्वार्थ भाव से, तो उसको सचमुच भगवान कहेंगे। और तो और जान के हैरानी होगी, आजकल आदमी छोटा सा काम करता है, सोशल मीडिया पर अपडेट कर देता है, इंस्टाग्राम पे अपडेट कर देता है, फेसबुक पे अपडेट कर देता है, स्टेटस लगा लेता है। डॉक्टर साहब के पास कोई मोबाइल फोन नहीं है, कोई कंप्यूटर नहीं है, इंटरनेट से दूर रहते हैं, झोला उठाते हैं पुराने जमाने की तरह, झोला उठाते हैं, कुछ दवाएं रहती हैं, खाने के लिए एक टिफिन रहता है, अपने घर से निकलते हैं और घर से निकलने के बाद उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर इनका इलाज कराना रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कर्नाटक में कहां रहते हैं, तो कर्नाटक में दोस्तों मैं बता दूं, ये मांड्या एक जिला है और शिवली एक गांव है, शिवल्ली कहते हैं लोग वहां पर, और वो उसी गांव के डॉक्टर साहब हैं और इनकी उम्र लगभग 64 साल है। आपको मैंने पहले ही बता दिया इनके पास कोई फोन नहीं है, कोई चैम्बर नहीं है, और इनका अपना सिर्फ और सिर्फ 2 कमरे का घर है जो उनके शिवल्ली गांव में है। वहां से ये ऑटो करते हैं, अपनी उन जगहों पे जाते हैं जहां पर ये लोगों का इलाज करते हैं। चूंकि सोशल मीडिया पर ये फोटो वायरल थी दोस्तों, आप लोग देख के समझ रहे थे, इनके बारे में बहुत ज्यादा लिखा जा रहा था ना पढ़ा जा रहा था, तो मैंने अध्ययन किया इस डॉक्टर पर और आपके सामने रख दिया। आप भी अगर किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जो वर्तमान समय में जहां पैसे के लिए भाई भाई का नहीं है, दोस्त दोस्त का नहीं है, वहां पर बगैर पैसे लिए ये आदमी दिन भर काम करता है 5 रुपए में लोगों का इलाज करता है, जिसकी 35 साल की प्रैक्टिस की फीस एक आदमी की 5,000 भी हो सकती थी, वो जादूगर, वो लोगों का इलाज करने वाला आदमी मात्र 5 रुपए में अपनी सेवा देता है। अगर इस तरह का किसी और आदमी को आप जानते हैं तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उनके लिए भी वीडियो बनाऊंगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत